नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। प्रयागराज में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ठंड के बावजूद भी लोग गंगा घाटों पर पहुंचे हैं। वहीं संगम पर स्नान के लिए लाखों की तादाद में तांता लगा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक करीब 70 लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे। भू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक मंथन को लेकर रायसीना डायलॉग आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। यह अपनी तरह के सबसे बड़े समागमों में एक है। 3 दिन चलने वाले इस आयोजन में रूस, ईरान, डेनमार्क, हंगरी, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया और यूरोपीय यूनियन सहित 12 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन मंत्रालय और आर्बजर रिसर्च फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया है। इसमें 100 देशों के 700 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भगवान महावीर रिलीफ फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से खोले गए मेडी डायलिसिस सेंटर का संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत उद्घाटन करेंगे। किडनी रोगियों को सस्ते दर पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जैन समाज ने डायलिसिस सेंटर खोलने की पहल की तो आरएसएस ने दिल्ली के जसोला में स्थित अपना भवन ही दान कर दिया। यहाँ मात्र 500 रुपए में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जेएनयू में शुल्क वृद्धि का मुद्दा सुलझाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जेएनयू के छात्रों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद जेएनयू के शुल्क संबंधी मुद्दों का समाधान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जय भगवान गोयल की किताब से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने निजी हैसियत से यह किताब लिखी है। उन्होंने भावनाएं आहत करने के लिए महाराष्ट्र और बाहर के लोगों से खेद भी प्रकट किया है। उन्होंने किताब वापस ले ली है। आपको बता दें कि मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई थी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में सीएए पर अमल के लिए शरणार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों को डेटा संग्रह करने को कहा गया है। राज्य के 75 जिलों में से 21 जिलों में 32,000 शरणार्थियों की पहचान कर ली गई है और यह प्रक्रिया पूरे राज्य में जारी है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा शरणार्थी पीलीभीत जिले में है। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ 30 जनवरी को भोपाल में इस योजना का राज्य स्तरीय प्रतीकात्मक उद्घाटन करेंगे। गांधी पीठ विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र विभाग के अधीन होंगे। इसके लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कुलपति अध्यक्ष और राजनीतिक शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सचिव के रूप में मनोनीत होंगे। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की दिल्ली इकाई के कोर समूह की बैठक में 70 में से 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। भाजपा की पहली सूची 17 जनवरी को घोषित की जाएगी। खास बात तो यह है कि इस बार निगम पार्षद के नामों पर भी पार्टी टिकट के लिए विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका त्रिदलीय सत्तारूढ़ गठबंधन राज्य की सरकार सही से चला रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय उसका संतुलन महत्वपूर्ण होता है, फिर चाहे दो पहिया वाहन हो या तिपहिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी को तिपहिया सरकार कहा था। योग गुरु रामदेव ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों की सही समझ हासिल करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मुझे सलाहकार बतौर रख लेना चाहिए। रामदेव ने कहा कि दीपिका में अभिनय की दृष्टि से कुशलता होना अलग बात है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों का ज्ञान हासिल करने के लिए उन्हें देश के बारे में और पढ़ना समझना पड़ेगा। यह समझ हासिल करने के बाद ही उन्हें बड़े निर्णय लेने चाहिए। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण जेएनयू के दौरे गई थी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी किरकिरी हो रही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अगर एक और कैच पकड़ लेते हैं तो वह वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले फील्डर बन जाएंगे। आपको बता दें कि कोहली और द्रविड़ के अभी 124 कैच हैं। द्रविड़ ने 340 मैचों में जबकि कोहली ने 242 मैचों में यह कैच पकड़े हैं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश की खुदरा खाद महंगाई दर दिसंबर में 14.12% पर पहुंच गई, जो यह नवंबर में 10.1% था। ऐसा मौसमी कारकों की वजह से सब्जियों व दालों की कीमत के बढ़ने की वजह से हुआ है। केंद्र सरकार के चालू सीजन 2019-20 में दालों का बफर स्टॉक 19.50 लाख टन बनाएगी, जो कि पिछले साल के 16.15 लाख टन के मुकाबले 20.74% अधिक है। इनमें तुअर का बफर स्टॉक करीब 10 लाख टन, उड़द का 4 लाख टन, मसूर का 1.5 लाख टन होगा। पेट्रोल के दामों में लगातार तीसरे दिन कटौती का सिलसिला जारी है, लेकिन डीजल के दामों में दो दिन कटौती के बाद स्थिरता बनी हुई है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 11 पैसे जबकि चेन्नई में 10 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 3 दिनों से 31 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 जनवरी नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख है। 70 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि 8 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 2679 जगहों पर 13,750 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। देश में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर की पहचान स्वच्छ शहर के तौर पर बन चुकी है। अब इस शहर के खाते में एक और खिताब आ गया है। यह खिताब प्लास्टिक मुक्त पंचायत का है। सिंदौड़ा पंचायत के लोगों ने प्लास्टिक के नुकसान को जाना और प्लास्टिक को ना कहा। इसके चलते यह राज्य की पहली प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनी है, जिसे दिल्ली में सम्मानित किया गया। कोहरे और ठंड ने दिल्ली आने वाली 15 ट्रेनों की रफ्तार आज धीमी कर दी है। दिल्ली आने वाली ट्रेनें 1 घंटे 30 मिनट से लेकर 6 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से वोट खरीदने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, उन्हें रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब मेरी वोट कीमत 2000 रुपए नहीं है। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस में लोगों के पास बहुत पैसा है, उनसे लीजिए, बस मुझे वोट दीजिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने तो जेब काटकर पेट पर लात मार दी है। उन्होंने कहा कि सब्जियां, खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, और जब सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या? ऊपर से मंदी की वजह से गरीबों को काम भी नहीं मिल रहा है। आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5% या 2020-21 के लिए GDP से नीचे निर्धारित कर सकती है। मौजूदा मध्य अवधि राजकोषीय ढांचे के अनुसार केंद्र आगामी वर्ष के लिए GDP के 3% और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य मान रहा है। इससे बढ़कर 3.5% पर रहने से 1.13 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की गुंजाइश बढ़ सकती है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।